जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज से 700 साल पहले 1303 में भारत के एक बड़े हिस्से, चित्तौड़ का नाम आपने सुना होगा, मेवाड़ का नाम आपने सुना होगा, भारत के स्वाभिमान का नाम आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप जहां से संबंधित थे वहां पर 26 अगस्त को 1303 में महारानी पद्मिनी, पद्मावत का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने 16,000 रानियों के साथ अपने आप को, अपने स्वाभिमान का बहुत बड़ा उदाहरण देते हुए अपने आप को हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अग्नि कुंड में खुद को आहूत कर दिया था। शौर्यता क्या होती है, वीरता क्या होती है, यह महारानी पद्मिनी ने अपने बलिदान से हम सबके सामने एक बड़ा आदर्श रखा। महारानी पद्मिनी ने जो बलिदान दिया, अलाउद्दीन खिलजी जो पूरे भारत को इस्लाम बनाने के संकल्प के साथ, पूरे भारत को रोदने के लिए, पूरे भारत के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए आया, उस अलाउद्दीन खिलजी को उन्हीं के शब्दों में उत्तर देने का काम महारानी पद्मिनी ने किया था। महारानी पद्मिनी का बलिदान कितना बड़ा है आप अंदाजा लगाइए। चारों तरफ से किले को घेरे हुए हैं, घेरे हुए अलाउद्दीन खिलजी जैसा दुश्मन जिसके सामने बड़े बड़े राजा सामने आते ही हार मान लेते थे, उसके साथ टक्कर लेना, उसको उत्तर देना। महारानी पद्मिनी की गाथा, महारानी पद्मिनी की कहानी मेवाड़ में तो बच्चे बच्चे की जुबान पर है। मेवाड़ के हिंदू भी महारानी पद्मिनी को देवी मानते हैं और मेवाड़ के मुसलमान भी महारानी पद्मिनी को देवी की तरह पूजते हैं, देवी की तरह मानते हैं, उनको वो अपने आदर्श के रूप में उनकी पूजा करते हैं। यह देश हमें आज बताने की आवश्यकता है, पढ़ाने की आवश्यकता है कि ये देश माता सीता का है, ये देश सावित्री का है, ये देश हाडा रानी का है, ये देश रानी पद्मावती का है, ये देश दुर्गावती का है, ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश रानी चिनम्मा का है, अहिल्याबाई होलकर का है, पन्ना धाय का है, माता जिजाऊ साहब का है, दुर्गा भाभी का है, सुशीला दीदी का है, ये ऐसा देश है। इस देश में हमें माताओं बहनों को अभी विडंबना क्या है, अभी एक अश्लील फिल्मों की हीरोइन है सन्नी लियोनी, उस सन्नी लियोनी का जो ओरिजिनल नाम है किरणजीत कौर, उस सन्नी लियोनी के ओरिजिनल नाम के ऊपर, उसकी जीवन गाथा के ऊपर कि कैसे उसने एडल्ट फिल्मों में काम किया और किस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री की वो हीरोइन बनी, उसकी बायोपिक बनी हुई है, उसकी कहानी को दिखाया जाता है। ऐश्वर्या राय का लहंगा कितने किलो का है इसके बारे में स्टोरी बनती है। अलग अलग साउथ की एक एक्ट्रेस ने अपनी आंखों को कैसे मटकाया इसके ऊपर पूरे इंटरनेट के ऊपर सनसनी चलती है और उस वीडियो को एक दिन के अंदर कई करोड़ लोग देख लेते हैं और वो मोस्ट व्यूड वीडियो बन जाता है। तो अपने देश में हमारा नैरेटिव सारा बदल दिया गया है, हमारे सामने झूठे आदर्श खड़े कर दिए गए हैं। और तो और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे समाचार पत्रों में कुछ आधुनिकता की अंधी दौड़ में वामपंथी लिबरल गैंग की लोबी की महिलाओं को आगे करके वो महिलाओं से क्या लिखवाते हैं, वो कहते हैं कि माता सीता को भारत में कभी भी आदर्श नहीं मानना चाहिए था, माता सीता को क्या जरूरत थी, भगवान राम ने वन में जाने का निर्णय किया तो माता सीता को क्या जरूरत थी कि उनके पीछे पीछे जाएं, ये तो राम की बेवकूफ़ी थी भगवान राम की कि उन्होंने पिताजी ने कहा और कहते ही वो 12 साल के लिए 14 साल के लिए वन में चल दिए। तो ये राम जी के ऊपर ऐसे आक्षेप करते हैं, ऐसी टिप्पणी करने का काम वामपंथी लोग करते हैं, वामपंथी गैंग करता है। सावित्री माता के बारे में ये कहते हैं कि उनको क्या जरूरत थी यमराज के पीछे दौड़ने की, दूसरी शादी कर लेती। तो ये जो नैरेटिव है, ये जो घटनाएं हैं, ये हमारे नई पीढ़ी की, हमारी माताओं बहनों की मानसिकता को बदलने का काम कर रही हैं। आज हमें रानी पद्मिनी जैसे आदर्शों की आवश्यकता है। हम अपने देश के सामने, हमारे देश की माताओं बहनों के सामने और युवा पीढ़ी के सामने रानी पद्मिनी का आदर्श रख सकें। और वामपंथी लिबरल गैंग, रानी पद्मिनी की जब बात आती है तो रानी पद्मिनी के पूरे व्यक्तित्व को जुठलाने की बात की जाती है। ये कहा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखा वो तो 300 साल बाद लिखा, रानी पद्मावती नाम की तो कोई महिला हुई नहीं, कोई रानी हुई नहीं। रानी पद्मावती, यदि कोई रानी हुई भी है तो उस समय रानी पद्मावती के पिताजी का जो नाम दिया है वैसा श्रीलंका में कोई राजा नहीं हुआ। फिर अलग अलग
झूठे तथ्य, झूठे आंकड़ों के साथ उसको झुठलाने की कोशिश की जाती है कि जब रावल रतन सिंह चित्तौड़ के राजा थे तो उस समय पड़ोस में जिनसे उनका युद्ध हुआ तो उस समय कोई राजा नहीं थे। इसका मतलब ये कहानी पूरी तरह से झूठी है। फिर तर्क देंगे कि उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो उनका लेखक अमीर खुसरो आया था, उसने अपने आत्मकथा में पद्मावती के बारे में, उनके जौहर के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम उसको मानेंगे नहीं, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे तर्क गढ़कर हमारे जो हिस्टोरिकल चरित्र हैं, रामायण को झूठा कहा जाता है, महाभारत को झूठा कहा जाता है, भगवान राम के बारे में आक्षेप किए जाते हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बारे में आक्षेप किए जाते हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति को झूठा बताया जाता है, हमारे सभ्यता संस्कृति की प्राचीनता को नष्ट करके उसको कहा जाता है कि ये तो उतने पुराने नहीं है, वेदों को झूठा बताया जाता है, हमारे यहाँ जो हमारे पूर्वज हुए उन पूर्वजों को कम करके आंका जाता है, और सुनियोजित षड्यंत्र पूर्वक क्या पिक्चर पूरी दुनिया में खड़ी कर दी गई कि हिंदू धर्म तो कुप्रथाओं का धर्म है, वैदिक धर्म के अंदर तो बलि प्रथा थी, उनके अंदर तो सती प्रथा थी, उनके अंदर तो बाल विवाह है, हिंदू धर्म के अंदर तो प्रदा प्रथा है, हिंदू धर्म के अंदर तो गलत गलत प्रथाएं चल रही हैं, हिंदू धर्म के अंदर ज्ञान विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, ये षड्यंत्र पूर्वक सिखाया जाता है और बताया जाता है। आज की चर्चा में हम इन सब के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो हम रानी पद्मावती, जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए 16,000 अपनी चित्तौड़ राज्य की महिलाओं के साथ हंसते हंसते अग्नि के कुंड में समीधा की तरह, लकड़ी की तरह जो कूद गई हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, हम उनको नमन करते हैं। रानी पद्मावती नहीं होती तो हमारा भारत वो भारत नहीं होता जो आज भारत है। रानी पद्मावती से हम सीख सकते हैं कि हमारे लिए हमारे आदर्श, हमारी परंपराओं का महत्व तो कितना है। रानी पद्मावती वो व्यक्तित्व तो है हिमालय सा कि जिनके सामने हिमालय की चोटी भी छोटी पड़ जाती है, जिनके जौहर के तप और तेज के सामने स्वयं देवता आकर पुष्प चढ़ाने का काम करते हैं। तपते हुए हमारी उंगली कहीं से थोड़ी सी जलती है तो हमें पता लगता है कि जलन क्या होती है, दर्द क्या होता है। आप कल्पना कीजिए वो रानियां जिनके पीछे दिल्ली सल्तनत का बादशाह पड़ा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने, कहानी क्या है, चित्तौड़ में रावल राजा रतन सिंह शासन करते थे, उन्होंने उस समय की सबसे अधिक सुंदरी विश्व सुंदरी माता पद्मावती के साथ विवाह किया। माता पद्मावती के बारे में ये माना जाता है कि वो श्रीलंका की रहने वाली थी, उनका हो सकता है जन्म स्थान में कोई भेद रहा हो, उनके पिताजी के नाम में कोई भेद हो सकता है, क्योंकि लोक गाथाओं से ये परंपरा आगे आई। शादी करके चित्तौड़ में आ जाते हैं, उसी समय दिल्ली में एक हमलावर आता है अलाउद्दीन खिलजी के नाम से। उसको जब पता लगता है कि पूरी दुनिया की सबसे सुंदर महिला चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मावती है, तो लोगों से सुनकर वो चित्तौड़ के किले को चारों ओर से घेर लेता है, 6 महीने तक 8 महीने तक घेर कर रखता है। युद्ध में जब जीत नहीं पाता और जब उसको मुंह की खानी पड़ती है तो छल कपट से वो रावल राजा रतन सिंह के पास संदेश भेजता है कि मुझे एक बार रानी के दर्शन करवा दो, बस मैं 6 महीने से यहां घेरा डाले हुए था तो अब मैं घेरा उठाकर वापिस जाने के लिए तैयार हूं, आप और मैं एक बार साथ बैठकर संधि कर लेते हैं और मैं यहां से वापस चला जाऊंगा। अब रावल राजा रतन सिंह, क्योंकि भारतीय परंपराओं को मानने वाले हैं, वो उनके इस ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करके जब वो अपने महल में उसको बुलाते हैं, महल में बुलाने के बाद उनका आतिथ्य करते हैं जैसे कि भारत की परंपरा है। आतिथ्य करने के बाद दर्पण से तालाब में, जलाशय में रानी पद्मावती को दिखाया जाता है। पहले तो रावल राजा रतन सिंह और सारे राजपूत मना कर देते हैं कि हम अपनी महारानी का चेहरा एक विधर्मी के सामने नहीं दिखाएंगे, लेकिन बाद में महारानी पद्मावती खुद कहती है कि चित्तौड़ के हजारों प्रजाजनों की रक्षा के लिए यदि वो केवल मेरा चेहरा देखकर वापस जाना चाहता है तो रक्तपात ना हो, युद्ध से बचा जा सके, इसलिए मैं अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार हूं। तो रावल राजा रतन सिंह उनकी बात को मानते हैं, बात को मानकर अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया जाता है, बुलाकर उनकी आवभगत की जाती है, आतिथ्य किया जाता है जैसे भारत की परंपरा है। उसके बाद रानी पद्मावती का चेहरा दिखाया जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बाहर वापस जाता है, धोखे से 7 दरवाजे क्रॉस करके वो रावल राजा रतन सिंह को भी बाहर ले जाता है और वहाँ
धोखे से सैनिकों की सहायता से उनको कैद कर लेता है और कैद करने के बाद रानी के पास संदेशा भिजवाता है कि रावल राजा रतन सिंह को यदि जिंदा चाहती हो तो मेरे पास आ जाओ। रानी भी रणनीति को जानती है, तलवारबाजी को जानती है, युद्ध कला को जानती है। वो अलाउद्दीन खिलजी के पास संदेशा भिजवा देती है कि मैं अपनी 700 दासियों के साथ आपके पास आने के लिए तैयार हूँ और मैं दिल्ली जाते हुए जाने से पहले एक बार राजा रतन सिंह से मिलना चाहूँगी। रानी आती है, उनके साथ गोरा बादल जैसे वीर होते हैं, दूसरे चित्तौड़ के राजपूत सैनिक होते हैं जो कहारों के वेश में होते हैं, पालकियों के अंदर भी दासियों की जगह सैनिक होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में जाया जाता है, खेमे में जाकर वो हमारे राजपूत वीर रावल राजा रतन सिंह को छुड़वा लेते हैं। पूरे खेमे में हलचल मच जाती है, गाजर मूली की तरह अलाउद्दीन खिलजी की सेना को काट दिया जाता है, भगदड़ हो जाती है और रावल राजा रतन सिंह को बचाकर वापस किले में रानी पद्मावती लेकर आ जाती है। अब अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह से बिलबिला जाता है कि किसी भी कीमत पर मुझे तो बदला लेना है, अपमान के बदला लेना है, और उस महल को फिर घेर लिया जाता है। और अंत में घेरने के बाद जब एक बड़ा समय बीत जाता है, बाहर से आने जाने वाली खाद्य सामग्री आ नहीं पाती, किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं हो पाता, संवाद नहीं हो पाता, और घेरा डाले डाले अलाउद्दीन खिलजी अलग अलग तिड़कमों से नीचे सुरंग खोदकर उसके ऊपर ट्रेंच बनाकर उसके अंदर से बारूद लगाकर किले की दीवारों को तोड़ने का काम, किले के ऊपर सैनिकों को चढ़ाने का काम, किले को दरवाजे को अंदर से खोलने के लिए भेदियों के माध्यम से, गुप्तचरों के माध्यम से किले के दरवाजे खोलने का अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र करता है, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता। जब समय बहुत बीतता है और स्थिति ये बन जाती है कि किले के अंदर कोई भी खाने पीने का सामान शेष नहीं रहता, तो अंत में भारत की एक परंपरा रही है कि जब दुश्मन चारों ओर से घेर ले और उस समय कोई स्थिति ना बचे कि जीवित कैसे बचेंगे, तो उस समय अपने यहाँ दो शब्द आपने सुने होंगे, एक जौहर और एक शाका। जौहर, जब विदेशी हमलावर आते हैं और युद्ध में जीत की कोई संभावना नहीं होती और ये पता लग जाता है कि अब हार होगी, तो हमारे देश की वीर महिलाएं, छत्राणी महिलाएं उस समय इकट्ठी होकर निर्णय करती हैं कि अब हम अपने आप का बलिदान देंगे। क्यों बलिदान देंगे? ताकि विधर्मी देश के विधर्मी सैनिक, दुश्मन सैनिक हमारे शरीर को छू नहीं पाए। देखिए वो समय क्या है, देखिए इस भारत में कभी भी पुराने समय में जौहर की परंपरा नहीं रही। भारत वो देश है जहां पर युद्ध के भी नियम रहे हैं। महाभारत काल में ही युद्ध के नियम तय होते थे कि सुबह शंख बजेगा तो युद्ध शुरू होगा, रात्रि को सूर्यास्त हो जाएगा तो युद्ध बंद हो जाएगा, और युद्ध बंद होने के बाद एक दूसरे के खेमे के अंदर भी जाया जा सकता है। अगर योद्धा ने हार मान ली तो उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं होगा, युद्ध होगा तो युद्ध के साथ पैदल के साथ पैदल लड़ेगा, रथी के साथ रथी लड़ेगा, हाथी वाले के साथ हाथी लड़ेगा, मतलब युद्ध में लड़ने के भी नियम है। तो हमारे युद्ध के भी नियम बने हुए हैं। तो भारत के अंदर इतनी मर्यादा है, किसी बच्चे की हत्या करना, किसी माता बहन के साथ दुर्व्यवहार करना, ये भारत की परंपराओं के अंदर कभी नहीं रहा। लेकिन अरब के लोग कबीलों में रहते थे, खाने पीने के लिए मारकाट मचाते रहते थे। जब आपस में मारकाट मचाते थे, एक कबीले ने दूसरे कबीले को विजयी बना लिया, क्योंकि गवार लोग हैं, जाहिर लोग हैं, कोई परंपरा नहीं है, कोई मान्यताएं नहीं है, कोई सभ्यता संस्कृति नाम की चीज नहीं है। तो जब एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे तो एक कबीले ने दूसरे कबीले को जीत लिया, तो दूसरे कबीले को जीतने के बाद उस दूसरे कबीले के सारे पुरुषों को मार दिया जाता था, बच्चों को मार दिया जाता था, और महिलाओं को बंधक बनाकर अपने हरम में, अपने महल में रख लिया जाता था। और उनकी मान्यताओं में यह था कि यदि हम एक से ज्यादा महिलाएं भी रखते हैं, दुश्मन महिला के साथ हम बलात्कार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उसके साथ बलात्कार करके उससे बच्चे पैदा करते हैं, तो वो गुलाम पैदा होंगे, और ये बलात्कार करना, ये दुर्व्यवहार करना किसी भी दृष्टि से गलत नहीं है। ऐसी जो विदेशी अरब से, तुर्क से, मंगोल आए, उनकी ऐसी मान्यताएं थी, क्योंकि उनके अंदर कभी भी सभ्यता और संस्कृति नहीं रही। तो जब ऐसे हमलावर आने शुरू हुए तो इन हमलावरों से पहले एक राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध तो करता था, लेकिन नियमों के साथ युद्ध करता था, और उस युद्ध में बच्चों को, किसानों को, आचार्यों को, जो पंडित होता था उनको कोई खतरा नहीं होता था, ज्ञान विज्ञान को कोई नष्ट नहीं किया जाता था, शिक्षा के केंद्रों को, गुरुकुलों को कोई नष्ट नहीं किया जाता था, किसान की जमीन के ऊपर किसान की संपत्ति को आग नहीं लगाया जाता था। लेकिन जब ये विदेशी हमलावर आए तो इनको प्रजा से कोई प्यार नहीं था,
खुद का कोई संविधान नहीं, कोई आदर्श नहीं, कोई मान्यताएं नहीं, कोई परंपराएं नहीं, कोई नियम नहीं। तो ये जहां भी जाते थे वहां पर गांव को आग लगाते हुए चलते थे, गांव को आग लगाते लगाते वो महिलाओं को बंधक बना लेते थे, बंधक बनाकर दो दो चार चार दिनार में अरब में ले जाकर उनकी बोली लगा देते थे, बच्चों को गुलाम बनाकर उनको गुलाम की भांति काम करवाने का काम करते थे। और तो और ये इतने नरशंस थे कि जब युद्ध होता था और मान लीजिए युद्ध में महिलाओं ने अपने आप को कटार मारकर अपने आप को आत्महत्या कर ली कि मैं जीवित इन मुस्लिम आक्रांताओं के हाथ में नहीं पड़ूंगी, इन मंगोलों को इन तुर्कों के हाथ में नहीं पड़ूंगी, मैं इनके हाथों अपने शरीर को बर्बाद नहीं होने दूंगी, अपने शरीर की दुर्गति और बेइज्जती नहीं होने दूंगी, तो खुद को यदि फांसी खा लेती थी या कटार मार लेती थी तो इन मुस्लिम हमलावरों की प्रवृत्ति क्या थी? इनकी प्रवृत्ति ये थी कि ये इतने गिरे हुए और इतने निकृष्ट थे कि ये मरे हुए महिला के शरीर के साथ भी बलात्कार कर लेते थे। तो उस समय की रानियों को, उस समय की महिलाओं को यह पता था कि हमें स्वाभिमान के साथ जीवन जीना है, और स्वाभिमान के साथ जीवन जीते जीते यदि हम स्वाभिमान के साथ अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पाए तो स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अपने प्राण आहुत कर देंगे, और प्राण आहुत करने के बाद हमारे शरीर से भी, शरीर को वो छू ना सकें, शरीर के साथ भी वो किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार नहीं कर सकें, इसके लिए जौहर नाम की एक परंपरा बनाई गई। इस जौहर में क्या होता था कि महल के अंदर एक स्थान को चुना जाता था, वहां पर लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया जाता था और जलाने के लिए अगर को, तगर को, चंदन को और इसके साथ साथ जो जलाने में प्रयोग आता है राल को, ज्वलनशील पदार्थों को इकट्ठा करके उसकी अग्नि को भड़का दिया जाता था। उसके बाद महिलाएं अपना श्रृंगार करके, कुमकुम लगाकर, रोली लगाकर, अपने इष्ट देव की पूजा करके, मुख के अंदर तुलसी दल का पत्ता दबाकर, हर हर महादेव के नारों के साथ उस अग्नि कुंड में अपने आप को आहुत कर देती थी ताकि हमारी हड्डियां भी दुश्मन को ना मिले, राख ही राख उसको मिले। और उसमें जब वो आहुत करती थी, जो जौहर करते करते जितने जेवर हैं, जितने महंगे पदार्थ हैं, जितने खाने पीने के पदार्थ हैं, उनको भी जला दिया जाता था। इसके पीछे दर्शन क्या था कि यदि दुश्मन बड़ा है, हम जीत नहीं सकते, तो हम हारते हारते भी दुश्मन को हरा कर जाएंगे। और जब महिलाएं जौहर करती थी तो जौहर करने के बाद उनके पुरुष, उनके पति उस राज्य में, राजा और राजा के सारे सैनिक, सैनिकों की पत्नियों ने, परिवार ने तो जौहर कर लिया। अब जो सैनिक और राजा होते थे वो शाका करते थे। शाका किसे कहते थे कि उस समय अंतिम युद्ध पर जाते हुए वो केसरिया बाना बांध लेते थे और इस उद्देश्य के साथ, इस संकल्प के साथ निकलते थे कि अब तो हमें युद्ध भूमि में अपने प्राण देने हैं। मातृभूमि की रक्षा करते करते जितने अधिक दुश्मनों को हम मार सकते हैं उतने अधिक दुश्मनों को हमें मारना है, अपने प्राण देने हैं। और उस समय क्योंकि रानियों ने जौहर कर लिया, अब रानियों ने जौहर कर लिया तो उनके पास कोई मोह माया शेष नहीं है, कोई दुनिया के साथ, संसार के साथ आकर्षण नहीं है, उनका एक ही उद्देश्य है अब तो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करना। तो ये जो जौहर और शाके की परंपरा थी, इससे हमारे दुश्मन भी घबराते थे कि किसी किले को घेर लिया और घेरते हुए यदि जौहर और शाका किया गया, जौहर किया तो किले के अंदर कोई महिला नहीं मिलेगी, कोई बच्चा नहीं मिलेगा, और सारे पुरुष शाका करते हुए अपनी बलिदान देंगे, अपनी आहुति देंगे। तो जब कोई व्यक्ति मरने के लिए उतारू हो जाता है तो वो एक व्यक्ति सौ सौ के बराबर हो जाता है, एक व्यक्ति सौ सौ से लड़ने की हिम्मत पा लेता है। तो इस हिसाब से, इस पद्धति से भारत के अंदर जौहर और शाकों की एक बड़ी परंपरा रही है। आपने वो गीत सुना होगा, यह है अपना राजपूताना नाज इसे तलवारों पर, इसने सारा जीवन काटा बर्छी तीर कटारों पर, यह प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पर, कूद पड़ी थी हजारों पद्मिनियां अंगारों पर, बोल रही है कणकण से कुर्बानी राजस्थान की, है मिट्टी इस मिट्टी से तिलक करो, यह मिट्टी है बलिदान की। ये जौहर की और शाके की परंपरा होती थी, ये हमारे भारत का बड़ा ज्ञान विज्ञान था। अब ये जो जौहर और शाके की परंपरा होती थी, इस जौहर की परंपरा में जो महिलाएं अपने आप को आहुत करती थी, बाद में कुछ जगह जहां ऐसी स्थिति बनती थी कि महिलाओं की रक्षा करने के लिए कोई पुरुष शेष नहीं बचता था तो उस समय महिलाएं अपने पति की चिता के साथ सती हो जाती थी, कोई एकाध घटना ऐसे होती थी। अब इस एकाध घटना को अंग्रेजों ने क्या प्रस्तुत किया कि भारत के अंदर तो हिंदू धर्म के अंदर इतनी विकृतियां हैं, इतनी कमियां हैं, इतनी कमजोरियां हैं, इतनी कुप्रथाएं हैं कि यहां पर तो सती प्रथा है, यहां पर तो प्रदा प्रथा है,
यहां पर तो बाल विवाह है, ये सती प्रथा, ये पर्दे की प्रथा, घूंघट की प्रथा और ये बाल विवाह, ये सब मुस्लिम आक्रमणकारियों से आए हैं। यदि हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास में आप उठाकर देख लीजिए, रामायण को हम लें, भगवान राम जी वन में गए, राजा दशरथ का स्वर्गवास हुआ। राजा दशरथ का जब स्वर्गवास हुआ, राम जी वन में थे, राजा दशरथ की तीन तीन रानियां थी, किसी एक रानी ने भी सती होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम महाभारत काल की बात करें, रामायण काल में ही वाली और सुग्रीव में वध हुआ, वाली की पत्नी का नाम तारा था, तारा ने सुग्रीव के साथ विवाह किया है। मतलब क्या है कि हमारे भारत में सती प्रथा तो थी ही नहीं, बल्कि विधवा का पुनर्विवाह की प्रथा थी। रावण और राम जी में युद्ध हुआ, रावण के पापों का बदला राम जी ने लिया और रावण की हत्या की, रावण को मारा, उसके कर्मों का दंड दिया, तो रावण की पत्नी मंदोदरी जो रावण को समझाती थी, उसने पुनर्विवाह किया। किसके साथ? विभीषण के साथ किया। तो इन दो घटनाओं से हमें पता लगता है कि रामायण काल में कोई सती प्रथा नहीं थी। महाभारत की बात करें, पांडु गए तो पांडु के पीछे उनकी माता कुंती, कोई सती नहीं हुई। इसके बाद हम यदि बात करते हैं तो युद्ध में जितने योद्धा मारे गए, किसी भी योद्धा की कोई पत्नी सती नहीं हुई। युद्ध में अभिमन्यु मारा गया था, अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा था, जो उस समय उनके पेट में परीक्षित थे, जो बाद में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा परीक्षित के बाद जन्मेजी की कहानी आती है, जिन्होंने नाग यज्ञ किया था, तो अभिमन्यु को घेर कर मारा गया, उनकी पत्नी सती नहीं हुई थी। महाभारत काल में कोई सती होने की कोई घटना नहीं। महाभारत काल के बाद की बात करें तो अलग अलग बाहर से यात्री आए, फाइयान आया, वेनसांग आया, इत्सिंग आया, इन सबके काल में कोई एक भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें कोई महिला अपनी पति की मृत्यु के बाद सती हुई हो। अब इसके उलट दिखा क्या दिया गया कि भारत के अंदर तो सती प्रथा बहुत थी। अंग्रेजों ने उस समय 1829 के आसपास ये माहौल बनाना शुरू किया कि पूरे भारत को ईसाई बनाना है, और भारत को ईसाई बनाना है तो सबसे पहले भारत के धर्म में कमजोरियां ढूंढनी पड़ेंगी, भारत के धर्म को हीन मानना पड़ेगा, भारत के धर्म की कमजोरियां पूरी दुनिया के सामने और खुद भारतीयों के सामने रखनी पड़ेंगी। लॉर्ड मैकाले ने पहले ही ये कह दिया था कि ये भारत ऐसा देश है, यदि हमने इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट नहीं किया तो हम भारत को कभी भी जीत नहीं सकते, भारत में कभी भी हम अपना साम्राज्य कायम नहीं कर सकते। तो भारत के मन को हमें जीतना है, हमें नष्ट करना है। तो भारत की शिक्षा को नष्ट किया गया, भारत की परंपराओं को नष्ट किया गया, भारत की संस्कृति को नष्ट किया गया। आज आप किसी भी स्कूल में पढ़े हो, हिंदी में, अंग्रेजी में, बांग्ला में, आपने कोई भी पढ़ाई की हो, 8वीं तक हो, 10वीं तक हो, आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आपने सबने अपने इतिहास की पुस्तकों में रानी पद्मिनी को नहीं पढ़ा होगा, आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि राजा राम मोहन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में बड़ा काम किया, कुप्रथाओं को ठीक किया, ये जरूर पढ़ा होगा। भारत का ऐसा कोई बच्चा आपको नहीं मिलेगा जिसने राजा राम मोहन के राय की कहानी नहीं पढ़ी हो। राजा राम मोहन राय खुद ईसाई हो चुके थे, वो अंग्रेजों के सामने सरेंडर हो चुके थे। उनका सपना था कि मैं किसी भी तरीके से इंग्लैंड चला जाऊं, और 1829 में जब वो इंग्लैंड गए, 1829 में उन्होंने सती प्रथा के विरोध में कानून बनाने के लिए पत्र लिखे, समाचार पत्र लिखे और देश की खूब बदनामी की। देखिए, सती प्रथा एक कुप्रथा थी, लेकिन वो बहुत थोड़ी मात्रा में थी। कितनी मात्रा में थी मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा कि सती प्रथा, ये कहते 1815 से लेकर 1823 तक सती होने वाली घटनाएं 63% अकेले कलकत्ता मंडल में होती थी जहां पर अंग्रेजों का शासन था। लेकिन ये 63% कितनी थी कि 1842 में बंगाल सूबे में विधवा होने वाली महिलाओं की संख्या 2.5 लाख थी। और वो आगे लिखते हैं कि 2.5 लाख की संख्या में सती होने वाली महिलाओं की संख्या केवल 600 थी, यानी कुल विधवा होने वाली महिलाओं की तुलना में प्रतिशत हम देखें तो ये 0.2% है। 2.5 लाख में केवल 600 महिलाएं सती हुई हैं, ये उस समय के आंकड़े हैं, और ये वहां के आंकड़े हैं जहां पर सबसे ज्यादा घटनाएं होती थी। मतलब ये 0.2% भारत में सबसे अधिक माना जाता था, और ये सबसे अधिक जहां था वहां पर अंग्रेजों का राज था उस समय। अब आगे क्या है
तो ये कहते हैं कि भारत के धर्म में सती प्रथा थी, भारत के धर्म में कभी भी यह सती प्रथा नहीं रही। उस समय के वाराणसी की रिपोर्ट है कि वाराणसी में उस समय बनारस का जिलाधीश अंग्रेज होता था, उसने नस्लवादी दृष्टिकोण से हर घटना को सती प्रथा की घटना से जोड़ने की कोशिश की, तो भी 1820 से लेकर 1828 तक, आज का बनारस बहुत बड़ा है, उस समय तो गाजीपुर बनारस के अंदर था, भदोही बनारस के अंदर था, इलाहाबाद तक का क्षेत्र बनारस के अंदर था, इधर पटना तक का बड़ा क्षेत्र बनारस तक का था, ये सुल्तानपुर से लेकर गाजीपुर से लेकर आजमगढ़ से लेकर ये अलग से कोई जिले नहीं होते थे, इनको बनारस मंडल ही माना जाता था। इसमें 1820 से लेकर 1828 तक 9 वर्षों में सती होने के केवल 125 मामले आए थे, केवल 125। जहां पर लाखों की आबादी हो वहां पर यदि केवल 125 मामले अंग्रेज दिखा पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद 128 तक की ये रिपोर्ट है। 1829 में जैसे ही वो हाउस ऑफ कॉमन्स में पत्र लिखते हैं, लॉर्ड मैकाले सक्रिय होता है, तो एकदम यह संख्या वो क्या लिखते हैं कि जी हर जिले में 10,000-20,000 महिलाएं सती हो जाती हैं, 50,000 महिलाएं तो हर साल सती हो जाती हैं, तो ये भारत की जो परंपराएं हैं, भारत की मान्यताएं हैं, भारत का वैदिक धर्म है, ये बहुत खराब है, इसके अंदर तो बहुत सी कुप्रथाएं हैं और इनको तो सभ्य बनाना पड़ेगा। और ऐसे लोगों का सहयोग करने का काम राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्तियों ने किया। राजा राम मोहन राय खुद ईसाई हो चुका था, उसकी माता ने खुद उसकी बहुत आलोचना की है कि तुम ईसाई क्यों बन गए, अंग्रेज क्यों बन गए। और यही वो समय है जब भारत के अंदर ईसाई मिशनरियां सक्रिय हुई थी और ईसाई मिशनरियों ने सक्रिय होकर भारत के अंदर ईसाइयत का प्रचार प्रसार करना था, ईसाई स्कूल खोले जाने वाले थे, ईसाइयत का प्रचार प्रसार करके भारत की परंपराओं को बिल्कुल तोड़ना था, संस्कृत भाषा जो उस समय तक बोली जाने वाली थी उस भाषा को नष्ट करना था। तो उस भाषा को नष्ट करने के लिए भी राजा राम मोहन राय का सहारा लिया गया। राजा राम मोहन राय से चिट्ठी लिखवाई गई, राजा राम मोहन राय से अलग अलग चिट्ठी लिखवाई गई कि ये जो संस्कृत भाषा है ये तो किसी काम की भाषा नहीं है, इसमें कुछ सिखाया नहीं जाता, तो अच्छा होगा कि आप हम सबको अंग्रेजी सिखाओ, इस भाषा के अंदर कोई सुधार करने की गुंजाइश नहीं है, इससे कोई ज्ञान नहीं मिलता। ये राजा राम मोहन राय 11 दिसंबर 1823 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एमसर्ट को लिखता है। तो ये राजा राम मोहन राय लिख रहा है। राजा राम मोहन राय एक तरीके से अंग्रेजों का पिछलग्गू बनके उसने भारतीय परंपराओं को मजाक उड़ाने का काम किया। एक और अंग्रेजों ने क्या किया कि उस समय ये प्रचारित प्रसारित किया गया कि भारत के अंदर ठग बहुत हैं, भारत की ठग प्रथा के ऊपर एक अंग्रेज ने पूरा एक मोटा सा नावल लिखा।